इसका आज का जो थीम था दैट इज़ कि सब्सटेंस एब्यूज पर अवेयरनेस किया जाए, क्योंकि यहाँ बीएड कॉलेज में अक्सर देखा गया कि जो टीचर्स यहाँ पर एनरोल होते हैं टीचर्स ट्रेनिंग पर, और ये टीचर्स पूरे कश्मीर को रिप्रेजेंट करते हैं, एम्पावरिंग दीज टीचर्स के सब्सटेंस एब्यूज को वो किस तरह से आइडेंटिफाई करें और किस तरह से वो प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज स्कूल्स में अडॉप्ट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादातर जो इसकी पॉपुलेशन बढ़ रही है उस पर कहीं ना कहीं कंट्रोल आ जाए। सेकेंड था कि जो कश्मीर की तरफ से एक हेल्दी माइंड्स का प्रोग्राम चल रहा है कि वो लोग, बिकॉज हम लोग मेंटल हेल्थ इश्यूज, मेंटल हेल्थ क्राइसिस, स्ट्रेस, डिस्ट्रेस किसी को भी हो सकता है, आपको भी हो सकता है, मुझे भी हो सकता है, लेकिन हर एक के बस की बात नहीं है कि वो काउंसलर के पास पहुंच जाए, वो फैसिलिटीज़ अफोर्ड कर पाए। दिस हेल्दी माइंड्स बाय कश्मीर इज़ एन वन इनिशिएटिव जहां पर काउंसलिंग सर्विसेज बाय द एक्सपर्ट्स है एंड इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट टू द पीपल, सो दैट द मुद्दा और मकसद प्रोग्राम का था ताकि लोगों तक ये मैसेज पहुंच जाए सो दैट दे आर एबल टू अवेल दियर सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट। कितना जरूरी है, जैसे आपने खुद कहा है कि डे बाई डे इंक्रीज हो रहा है ड्रग एडिक्शन या बाकी ड्रग यूज है, तो मेंटल हेल्थ के हवाले से इस तरह की वर्कशॉप्स की कितनी इंपॉर्टेंस है टू अवेयर पीपल सो दैट कि किसी हद तक इसमें अपना रोल प्ले कर सकते। नो एब्सोल्युटली देयर यू नो इसका कोई शक ही नहीं है कि यू नो द अवेयरनेस हैज़ टू कंटिन्यू, काफ़ी अवेयरनेस है कश्मीर में, मैं देख रही हूँ, आई बिन यू नो आई कम एवरी ईयर एंड डे बाई डे यू नो इट इज़ इंक्रीजिंग, तो ये तो अच्छी बात है। मैंने बहुत एक्सेप्टेंस देखी है अब लोगों में कि हाँ जी ये इशू तो है, पहले तो यू नो हम डिनाई कर रहे थे, हमारे कल्चर के हिसाब से एक स्टिग्मा है कि हमारे बच्चे भी ऐसा कर सकते हैं, तो अब फैमिलीज़ में भी बहुत एक्सेप्टेंस है, हम देख रहे हैं कि बहुत फैमिलीज़ बच्चों को ला रही हैं फॉर ट्रीटमेंट, तो यू नो दिस आर ऑल गुड साइंस कि जो भी अवेयरनेस कैंपेन्स चल रहे हैं इनका एक असर है ऑन द ग्राउंड, सो दैट्स अ गुड थिंग, बट इट्स नॉट इनफ, ये हम भी जानते हैं, पर ये ऐसी जगहों पर आना जहाँ एजुकेशन, टीचर्स वगैरह, ये हमारी बुनियाद है, फाउंडेशन है, ये बच्चों के साथ बहुत इंटीमेटली इन्वॉल्व है, तो ये हमारे की विजिलेंटेज बन सकते हैं क्योंकि ये अर्ली साइंस देख सकते हैं प्रेशर के, स्ट्रेस के, बुलिंग के, पीयर प्रेशर यू नो, तो या अर्ली साइंस ऑफ एडिक्शन, तो हम इनको सेंसिटाइज करने सकते हैं कि देखो तुम्हें कैसे पता चलेगा ये बच्चा मत वल्नरेबल है, क्योंकि हमने देखा है कि प्रिवेंशन इज़ की इन दिस, क्योंकि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड डिजीज बनती है एक बार जब ये एडिक्शन हो जाता है, यू नो इट्स देन बिकम्स अ ब्रेन डिजीज जिसका बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स है इसका इलाज, फिर तो ये बच्चा एक वेब में चला जाता है एंड ही इज हेल्पलेस टू कम आउट, वो चाहते हुए भी वो सिर्फ विल पावर और इससे इसमें से नहीं निकल सकता, उसको बहुत हेल्प चाहिए एट मल्टीपल लेवल, चाहे वो दवाइयों से, फैमिली सपोर्ट, यू नो इन सब चीज़ों से।